इस ठंड के मौसम में विदेशी पक्षी भारत का रुख करते हैं। हालिया तस्वीरें उड़ीसा में मौजूद खारे पानी की एशिया की सबसे बड़ी झील से आ रही हैं। चिल्का झील में आप पक्षियों को अटखेलियां करते देख सकते हैं। वे कभी झील की लहरों पर मदमस्त होकर गोते लगा रहे हैं, तो कभी एक किनारे पर बैठकर सर्द मौसम का आनंद ले रहे हैं। आपको बता दें कि चिल्का झील पहुंचने वाले इन पक्षियों की वार्षिक गणना होने वाली है, जिसके लिए 3 और 4 जनवरी को झील पर्यटकों के लिए बंद रहेगी। चिल्का वन्यजीव प्रभाग के DFO अमलान नायक ने इस संबंध में जानकारी दी है। तो ऑन 3rd of January 2024 वी विल बी हैविंग द ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड आफ्टर दैट द टीम्स विल बी टोल्ड वेयर टू गो। Already teams have been formed, 21 teams have been formed for the bird census, and these teams will be going in different directions, and the directions and the route chart has already been prepared. That census exercise will commence on the morning of 4th January 2024 at about 6 a.m. we will be starting and we'll be ending by 12 noon. चिल्का वन्यजीव प्रभाग के तहत सातपाड़ा, रंभा, बालूगांव, टांगी और चिल्का रेंज में 21 टीमें तैनात की जाएंगी। टीम में वन्यजीव विभाग के कर्मचारी, वन विभाग के कर्मचारी, OUAT के छात्र, वाइल्ड उड़ीसा और वाइल्ड्स के वन्यजीव कार्यकर्ता, टांगी रेंज और BNHS के तहत 3 पक्षी संरक्षण समितियों के सदस्य शामिल होंगे।